इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने कुछ कहा भी नहीं, भगत जी अपने भाव से अनुमति समझ लिए, लेकर परिवार सहित आए और बाबा की पंक्तियां। राम जय सुपावा पानी कठवता जब सदकर्म हम आप करेंगे ना तो देवता पुष्ट होते हैं, और आसुरी कर्म में लगते हैं तो देवता दुखी होते हैं। यहाँ हम लोग भगवान की कथा गा रहे हैं, देवता बड़े मंगल, अरे मंगल भाव मनाते हैं, जो जो कथा में आ रहे हैं, जो जो कथा गा रहे हैं, जो जो जा रहे हैं, देवता इन पर पुष्प की वृष्टि करते हैं। भगवत भजन करते करते ना बूंदाबांदी होती है, वो क्या है, वो देवताओं की प्रसन्नता का परिणाम परिचायक है। देवता प्रसन्न होते प्रबुद्धाबादी करा दे, अनुभव रखिए सब। यज्ञ होगा तब भी थोड़ी बूंदाबांदी, मौसम ठंडा हो जाएगा बूंदाबांदी भी हो जाएगी, चार गिरे गिरेगा अवश्य। ये क्या है, देवताओं की प्रसन्नता है। देवता बताते हैं कि आपने जो सत्कर्म किया उससे हम परम प्रसन्न हुए, आनंद आए, भगवान आपका और बढ़ाएं और सत्कर्म करिए। सत्कर्मों का परिणाम है। पद बखार जलपान करी आप सहित पद बखार कर चरणामृत लिए, परिवार सहित पितृ देवताओं को दिया, भगवत साक्षी में भगवान के सम्मुख और प्रभु को पार ले गए। उतरी ठार भई
आया, जैसे उतरे गंगा माँ के रेत पर, केवट जी ने नाव लगाकर तत्काल दंडवत किया, विदा दिया। भगवान को संकोच हुआ, यही नहीं कछुती। प्रभु के हृदय की जानने वाली मेरी माँ जान गई, पिय ही की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित। परमात्मा ने कहा ले ही उतरा चरणों में। क्यों, क्या नहीं पा लिया? नेत्रों से हमको दोष दर्शन होता है, दोष मिट गया। मन से दुख मिटा, स्वभाव की दरिद्रता समाप्त हो गई, हृदय का ताप मिटे, दोष दुख दारिद्र दावा सब व्याधि समाप्त हो गई प्रभु। इसलिए अब कछु नाथ न चाहिए। क्यों, क्यों? भगवान ब्रह्मा ने कई बार सब दे दिया, हमको क्या मिला है इसकी अनुभूति स्वयं करते चलिए। हम अनुभूति किसकी करते हैं, क्या नहीं मिला? उनका तो ऐसा है, मेरा इसी रह गया, ये अनुभूति होने लगती। अनुभूतियों में इन पंक्तियों को लाइए, तेरी मेहरबानी का है वो जिसे मैं उठा के काबिल मैं आ तो गया कर जा तेरे दर पे आया। हमको जो मिला है हम उसके अधिकारी हैं, ऐसा हम क्यों मानते हैं? देखिए, थोड़े के लिए प्रयास करिए और जब उससे 10 गुना अधिक मिले तो समझना अपने कर्म का फल नहीं है, उनकी कृपा का फल है। बरेली की राम कथा भी भगवान की कृपा का फल है, प्रयास का फल नहीं है। कहाँ है सुनील बाबू? आपको मैंने लगा रखा है कि आप बुलाए हो, पूरे नगर को बैठ के कथा सुनते हो। लड़की का भाई नया कपड़ा नहीं बनवाता है, न चप्पल खरीदता है। कमेटी के मंडल के सभी लोगों को टहलते रहना चाहिए, ये लोग तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे बारात गए आए। मंडल के लोगों को आगे बैठने का अधिकार नहीं, बैठाने का अधिकार। हमारा उत्सव है, हमको देखना है कौन बैठ रहा है, किसको हवा नहीं लग रही, किसको प्यास लगी है, कौन किधर है। ये जो उत्सव, आप अयोध्या आएंगे तो हम लोग बैठते थोड़ी, अयोध्या में दौड़ते ही रहते हैं, हम बोले साथी हमारे सब लगे रहते हैं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं, कहीं पानी बंद कहीं नल, चिंतन तो रहता ही। इसलिए ये कृपा प्रसाद ही है, थोड़ा प्रयास करो अधिक मिले समझ लेना कृपा बरस। इधर तो कृपा है, भगवान का स्वभाव है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती। मुझे ये पंक्ति व्याजी बहुत अच्छी लगती है, न मुलजिम ही होते तो न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न मुलजिम होते हाकिम किस बात के, इसलिए भगवान की तो कृपा है ही, कृपा कहीं से चिट्ठी लेके नहीं आएगी, कृपा अनुभूति में आएगी। अनुभूति करो, मुझे तूने बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया।
क्यों कह रहा हूं? देखो, गेवट जी के पास खाने खाने को घर में नहीं है। यही नाव से बात भर शहरी सकल सूत बारे बारे केवट की जात कछुपे दना पड़ाई हूं। लेकिन क्या कहते हैं, बहुत काल में कीनी बनी भली, इसलिए अब कछु ना चाहिए दीन दया अनुग्रह। हे दीनों पर दया करने वाले मेरे स्वामी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा बोलने के लिए कलेजा चाहिए भगत का, सरल नहीं है, कलेजा चाहिए। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बहुत है। क्यों? अरे पहले तय तो करो कि हमारी योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी तय तो हो। ये मेरी है, हमको तो पूरे देश का साम्राज्य मिल जाए तब भी हम समझते हैं हमें तो कमाई, हमको पूरे विश्व का राजा बनता। अरे अपना अनुमान असेसमेंट स्वयं कर लीजिए, हम कितने के अधिकारी हैं और जितना मिला उतने के हम अधिकारी हैं क्या? नहीं तो पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। नहीं, कोई बनारस में जेल चला गया, कोई नोएडा में जेल चला गया, भगवान करे कोई बरेली में न जाए। जितनी क्षमता नहीं है उससे अधिक प्राप्त हो जाएगा तो हिसाब किताब एक दिन तो होगा ही, जेल हो जाएगी। हम क्यों नहीं, ये जगत जेल है, जगत जेल है। जितनी क्षमता उतनी प्राप्ति तो आनंद, क्षमता से अधिक का आगमन जेल। हमको हमारा तय करना, केवट जी ने तय कर लिया। फिर तीन बार मोहि जो देवा ओ प्रसाद में, फिर तीन बार जो देवा ओ प्रसाद। प्रभु ने, भैया जी ने माने, रही कछु केवट अब विदा के करना यतन भगत विमल। विमल भक्ति भेंट कर दिया प्रभु ने। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।